मन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मर कट की नाई फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक तो बहुत कठिन है, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, बहुत कठिन है। और जब मनुष्य बन जाता है कोई तो क्या होता है, वह इस माया संसार में ऐसा भटक जाता है जैसे बंदर जो होते हैं ना, उनको नचाने वाले जैसे मदारी नचाते हैं, ऐसे वो बंदरों की तरह नाचता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, वो काल कर्म स्वभाव से माया से ऐसा ग्रसित हो जाता है कि वह उस परमात्मा को भूल जाता है जिस परमात्मा ने उसे सब कुछ दिया है। एक बार की बात है, मैंने एक स्वप्न देखा। आज भाई सही नहीं चल रहा है, मामला गड़बड़ है, प्रशंसा ज्यादा हो गई गोविंद की। हम तो अशोक नगर तक तुम्हारी प्रशंसा कर आए, आज फटफट की आवाज कट रही है, आवाज सही पूरी भर के आवाज नहीं आ रही। तो हुआ ये कि एक बार मैंने स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने देखा बढ़िया मुझे हाथी पे बैठा ला गया है और बढ़िया यात्रा निकल रही हमारी, जय जयकार हो रही, खूब चारों तरफ खूब फूल माला चल रहा है। मैं बड़ा प्रसन्न और स्वप्न में ही मुस्कुरा रहा हूं, आह क्या बात है, इतना सुख मिल रहा था, इतना सुख मिल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जिस हाथी पर बैठा था उसी हाथी ने सूंड में लपेटा और पटक दिया, अब मेरा स्वप्न टूटा और मैंने पहले अपने आप को देखा मैं ठीक ठाक हूं कि नहीं ठीक ठाक, तो मैंने देखा मैं ठीक हूं। अब ये बताओ वो स्वप्न का सुख और स्वप्न का दुख क्या मेरे साथ है या नहीं है, बताओ भाई। जो स्वप्न में मैंने हाथी पे बैठने का सुख पाया, माला फूल का सुख पाया, जय जयकार का सुख पाया, क्या वो सत्य है? स्वप्न में था ना, तो सत्य नहीं है। और जो उसमें दुख पाया हाथी की सूंड से पटक कर गिरने का, क्या वो दुख है? नहीं है। ऐसे ही ये संसार स्वप्न की भांति है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार सिर्फ स्वप्न की भांति है। किसी का शरीर पुरुष स्त्री पशु पक्षी नर किन्नर किसी का भी शरीर पा जाएगा मनुष्य ये प्राणी, उसके पश्चात वो स्वप्न की भांति जीवन बिताता है। स्वप्न में रिश्ते नाते सब व्यवहार बनते हैं। कई बार आप सब स्वप्न देखते हो, हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए, जिसको पहचानते नहीं हो उसको भोजन दे रहे हो, जिससे मिले नहीं हो उससे बातचीत कर रहे हो, जिस यात्रा को कभी किया नहीं उन यात्राओं को कर रहे हो, वह सत्य नहीं है। ऐसे ही ये यात्रा जो आज तुम्हारे जीवन काल में चल रही है, जिसको तुम सत्य मानते हो, ये आत्मा उस यात्रा को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि मृत्युर्व मृत्यु जन्मवताम श्रेष्ठे, मृत्यु और जन्म ये निश्चित है। मृत्यु और जन्म दोनों निश्चित है और दोनों को हम लोग अपने जीवन में शरीर से पाते हैं, लेकिन मृत्यु का जो दुख है और जो जन्म का सुख है वो हमको दोनों को नहीं मिलता है। बच्चा जन्म जन्मता है तो उसको सुख और दुख दोनों नहीं मिलता, और जब कोई प्राणी मरता है तो उस समय भी उसको सुख और दुख दोनों नहीं मिलता। वो सुख दुख किससे जुड़ा है, जो उस प्राणी के साथ संबंध बना के रखा है ना, जिसका संबंध है, यानी पिता रोएगा, पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे, तुम नहीं रोओगे, तुम तो मर गए ना। तो जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो रोता नहीं है, जो जन्म लेता है वो भी रोता नहीं है,
जो हंसता है वो हंसता नहीं है, जो रोता है वो रोता नहीं है, क्योंकि ये रोना हंसना सुख और दुख ये सिर्फ इस शरीर तक है, शरीर के बाद न सुख है न दुख है। इसीलिए कहते हैं कि अगर अपने जीवन को पार उतारना है तो भगवती देवी की आराधना करनी ही पड़ेगी।